क्रिटिसाइज तो मेरा बच्चा ही कर देता है, कोई और करे ना करे। तो यहाँ पर बस हमारी चाय पड़ने की तैयारी हो रही है। हेलो, अच्छी है यार। तो यहाँ पर हम चाय डाल रहे हैं अपनी। हाय गाइस, मैं हूँ रुद्रांश। मैं कह रहा था कि वो जो मम्मी है ना, मम्मी के कुछ फ्रेंड्स आने वाले हैं, तो मम्मी कुछ तो बना रही है, पता नहीं मुझे क्या बना रही है। चलो देखने चलते क्या बना रही। मम्मी क्या बना रही हो मम्मी? हाँ बेटा, मम्मी मैं आंटी लोग आ रही है ना, तो आज मैंने चॉकलेट चाय बना रही हूँ। अरे चाय ये क्या चीज मिली है? मैगी थोड़ी है, चाय की मैगी चाय। वो बहुत अच्छी होती है, बिल्कुल वैसी वाली है ना, चाय सुट्टा बार में जैसे मिलती है वैसी वाली बनाएंगे। वहाँ कैसे, वहाँ कब गई आप? अरे हम जाते हैं तुम्हारे पीछे से, तुम्हें स्कूल भेज के हम जाते हैं पिक्चर और जाते हैं कैफे। अच्छा, आपसे बात नहीं कर रहा कट्टी। नहीं ऐसा कुछ नहीं है। तो अच्छा रेसिपी बता दो फिर। हाँ तो रेसिपी बनाने जा रहे हैं साथ में। ये देखो अभी हमने लिया है यहाँ पर एक कप। ये रुद्रा याद है कप ये कौन? मेरा है ये। हाँ ये तेरा ही कप है, मुझे मालूम है। तो यहाँ पर मैंने लिया है पिसी हुई चीनी, बहुत इजी होती है। अपनी कॉफी में डालता हूँ। मैं एक्चुअली चीनी पीस के रख लेती हूँ, तो 6-7 चम्मच पिसी हुई चीनी लेनी है। ये चलो अब इसके बाद हमें लेना है कोको पाउडर। तो कड़वा होता है ना कोको पाउडर। हाँ, ये देखो कोको पाउडर ले लिया है। 1-2 चम्मच कोको पाउडर डालेंगे इसमें। बहुत यम्मी लगती है चाय, डिफरेंट टेस्ट की। चाय है मैगी थोड़ी की, मैगी कुछ भी। जैसे याद है आपको एक बार आपने कुछ बनाया था मैगी का, याद है? मैं तो कुछ भी बना, कुछ पकौड़े बनाए थे आपने। तो यहाँ मैं 1-2 चम्मच कोको पाउडर डाल रही हूँ उसमें, और यहाँ पर मैंने गर्म पानी किया है, इसको हम डाल देंगे 3-4 चम्मच। और फिर से हम चाहे तो चम्मच से फेंटेंगे, या फिर आप बीटर की मदद से भी बीट कर सकते हैं, मतलब फेंट सकते हैं। तो चम्मच से भी एक ही डायरेक्शन में चलाना है आपको। तो मैं यहाँ पर बीटर यूज कर रही हूँ, और इसका हमें फोम बनाना है। बीटर नहीं, पहले मैं एक बार ट्राई करके देखूंगा। फटना है बस। अरे यार इसका कलर तो अच्छा हो गया, स्मेल भी बड़ी अच्छी सी आ रही है ना अच्छी। तो बस इसको एक ही डायरेक्शन में बीट करना है। पर मैं अभी है ना दिखाना गाइस, ये देखिए ऐसे हो रहा है, ये देखो। और ये थाईलैंड का कप है रुद्रांश के। कौन लेकर आया था ये? मैं। अच्छा मामी लेके आई थी। थैंक यू मामी, अगर आप ये वीडियो देख रहे हो। मामी देखती है ये ऐसे। अरे ये तो गिर गया, चलो कोई नहीं। तो गाइस हम मिलते हैं आपसे बीट करने के बाद। बाय। नहीं क्या ये हम बीटर से बीट करेंगे? क्या मेरी कोई जरूरत नहीं है? नहीं अब हम बीटर से बीट करेंगे। तो यहाँ पर मैंने 1 चम्मच मलाई डाली है, आप चाहें तो क्रीम भी डाल सकते हैं। और इसे अब हम चला लेते हैं। ये देखिए कितना फोम आ गया है, ये बहुत अच्छी बन गई है हमारी चॉकलेट, फोम वाली चॉकलेट। तो अब हम बनाने की तैयारी कर लेते हैं अपनी चाय की, ठीक है? उसके बाद हम चॉकलेट डालेंगे, फिर बताती हूँ कैसे कैसे करना है। मैं बन नहीं पाया क्या? अरे अभी तो बस वो फोम निकली है, ये देखो चॉकलेट है ना, हो गया। अब इसमें मैंने 2 कप पानी रखे हैं, मतलब 4-5 कप हमारी चाय बननी है। तो यहाँ पर मैंने पानी रख दिया है उबलने के लिए। इसमें अब हम डालेंगे दालचीनी का पाउडर, मेरे पास अवेलेबल है तो मैं दालचीनी वाला पाउडर डाल रही हूँ। अगर आपके पास नहीं है तो आप 1-2 स्टिक डाल सकते हैं। 1 पिंच मैंने दालचीनी डाली है, और यहाँ पर कुटी हुई इलायची है, और चाय हम 2-3 चम्मच, नॉर्मल कोई सी भी चाय आप ले सकते हैं। अगर आपके पास कोको पाउडर नहीं है ना, तो इस टाइम आप है ना चॉकलेट भी डाल सकते हैं, सिंपल चॉकलेट चाय बनाने के लिए। बट हम थोड़ी सी फोम वाली बना रहे हैं, तो इसीलिए हम इस तरीके से यूज करेंगे। चॉकलेट में मम्मा कोई भी डाल सकते हैं, जैसे डेयरी मिल्क? हाँ हाँ डाल दो, जैसे जिसके पास। मतलब कितनी, मतलब वैसे थोड़ी सी आधी 10 रुपए वाली। मतलब कुछ लोग होते बताते नहीं, अब लोग कंफ्यूज हो जाते। जैसे क्या कह रहा है मुझे ना गाड़ी बनाने का समर हॉलीडे उमर मिला था। हाँ अब उसमें आधी चीज थी नहीं, मैं क्या करता। हाँ इसीलिए नहीं, मैंने पूरी पूरी बताई है। अगर नहीं तो 10 रुपए वाली सब तो ठीक है। इधर क्या रखा था आपने? अरे तो ट्रेन वाले
अरे तो चाय के साथ हम बनमस्का खाएंगे, और ये रोज वाले डेनिश बन होते हैं ना, ये मुझे बहुत पसंद है। डेनिश बन जो है ये मैं रखूंगी, और इधर आलू हम आलू कॉफी आलू के सैंडविच नहीं गया बॉयल आ गया अच्छे से हमारे चाय में। तो अब हम इसमें डालेंगे दूध, तो 2 कप पानी लिया है तो 2 कप ही मैं दूध डालूंगी इसमें। तो यहाँ पर मैं 2 कप दूध डाल रही हूँ। तो चाय बना दी मम्मी, वो चाय ही है। अरे तो गुलाब कलर ले लिया, गुलाब का कलर हाँ देखो देखो अच्छा कलर मतलब ना से? थोड़ा मतलब बस तो नहीं, अभी व्हाइट हो गई चाय बन, तो अभी खोलेगी ना। क्रिटिसाइज तो मेरा बच्चा ही कर देता है, कोई और करे ना करे, कमेंट्स आए ना आए, मेरा बच्चा ये ऐसे हो गया, ये वैसे हो गया, तो ये बिल्कुल सही सही रिव्यू बताता है, तो फिर मैं सही करती हूँ इसके लिए। तो आज ये देखिए ये अच्छी लग रही है, लेकिन वैसे तो वैसे अच्छी लग रही ना, अभी जब कलर आएगा ना, जब ये बॉयल होगा तो और अच्छी आएगी। तब तक हम अपने कप्स को है ना वो भी डेकोरेट कर लेते हैं, मैं बनाऊंगा उसको एस्थेटिक। चल तू ही बना ले, चलो मुझे दिखाओ बनाते हुए। तो जब तक हमारी चाय बन रही है, रुद्रांश कह रहा है कि मैं इसे डेकोरेट करूंगा। तो ये हमने लिया है चॉकलेट सिरप, कौन सी कंपनी का है ये? डेलमोंट का है, मुझे लगा अच्छा कोई सी भी कंपनी का लेते थे। हाँ कोई बात नहीं, जो भी मिल जाए चॉकलेट सिरप आप कोई सी भी कंपनी का ले सकते हैं। तो यहाँ पर रुद्रांश ने मेरे से कब्जा कर लिया है और इसको डेकोरेट, हाँ मुझे नहीं करने दे रहा है, जो ऐसे करते हैं मम्मी। अच्छा ऐसे करते हैं, मुझे सिखा रहा है रुद्रांश। कुछ इस तरीके से हमें कप कर लेने हैं। इतना एस्थेटिक लग रहा है ये, इसके अंदर आइसक्रीम डाल के ऊपर से वो वाली कैंडी डाल देते हैं मम्मी। मम्मी आइसक्रीम बना दो, आपने अपने चैनल पे समर कोई भी आइसक्रीम की वीडियो बनाऊंगी बेटा, कोई ड्रिंक भी नहीं बनाई गाइस मम्मी ने। चलो अब नया बना के लिए, अब ये तुमने अच्छा करा है तो अब ये तुम ही करोगे। तब तक हम अपने सैंडविचेस भी बना लेते हैं, जब तक हमारी चाय खोल रही है। इसमें अभी हमें चीनी भी डालनी है। देखो बबल, देखो चॉकलेट का बबल है, चॉकलेट का बबल। तो चलिए अब रुद्रांश और कर लेता है, क्योंकि रुद्रांश हमारे लाइन पे लगा दिए। तो यहाँ पर मैं 3 से 4 चम्मच चीनी के डाल रही हूँ, थोड़ी मीठी बनती है ये चाय। अगर आप कम करना चाहें, क्योंकि हमने ये फोम में भी बनाया ना, तो इस हिसाब से आप कम भी डाल सकते हैं चीनी। और अब यहाँ पर मैंने लिए हैं आलू, ये मैंने फ्राई कर लिए थे, समोसे वाले आलू की तरह से मैंने फ्राई किए हैं। अगर आपको इनकी रेसिपी देखनी है तो मेरे जो समोसों की रेसिपी मैंने शेयर करी है उसमें से ये आलू की रेसिपी आप देख सकते हैं कि मैंने कैसे बनाए हैं। तो यहाँ पर ली है ब्रेड मैंने, और ब्रेड के अंदर लगा लेंगे ये हम। तो यहाँ पर मैं सैंडविचेस लगा रही हूँ, अरे तो वही वाले सैंडविचेस जो मुझे अच्छे लगते हैं, वही है। इसमें मैं ना घी लगा दे रही हूँ ऐसे, और जब हम पलट के, यहाँ पर मैंने टोस्टर भी गर्म करने रख दिया है, जब हम लगाएंगे ऐसे और फिर एक और ऊपर से लगा देंगे, घी डालेंगे उनकी, आप रिफाइंड भी यूज कर सकते हैं। तो बन चुके हैं हमारे सारे, नहीं चुके रख चुके मतलब रख भाई एक ही चीज तो हुई। हाँ तो यहाँ पर मैं बंद कर देती हूँ, और ग्रिलर में आप जो गैस वाला टोस्टर है ना उसमें भी बना सकते हैं। तो अब हमारी चाय भी इधर बन रही है, तो निकाल लेते हैं चाय। चाय तो एकदम चाय जैसी लग रही है, तो चाय जैसी होगी ना, चाय एकदम चाय जैसी लग रही है, निकाल लेते हैं। अब बनाएंगे हम इसको चाय। तो यहाँ पर हम डाल रहे हैं चाय। ओए मैं जल जाऊंगा मम्मी, देखिए वो यार ये तो एकदम सही लग रही है। और अब हम इसके ऊपर डालेंगे अपना वो जो रसा, ये देखिए कितना ठीक है ये। बड़ा अच्छा लग रहा है, अच्छा लग रहा है ना ये। बस और इसके ऊपर हम डाल देते हैं थोड़ा सा चॉकलेट पाउडर होता है ना, ये वो डाल देंगे हम। वैसे ये ऑप्शनल है, अगर आपको पसंद है तो आप करिएगा, वरना ये स्किप भी कर सकते हैं। तो हमारे सैंडविचेस भी यहाँ पर तैयार हो गए हैं, इन्हें निकाल लेते हैं और आधे बीच में से कट कर लेते हैं। यहाँ पर मैंने लिया है बन, क्योंकि चाय के साथ बन मस्का अच्छा लगता है, और ये अमूल का मैंने बटर लिया है, अभी हम इसे नहीं यूज़ करेंगे, अभी हम इसको बीच में से आधा कर लेंगे ये ऐसे, और इसमें हम लगा देंगे मक्खन, और मक्खन अच्छे से लगाना है, कंजूसी नहीं करनी है, मक्खन में भर भर के लगाना है दोनों साइड पे। हाँ दोनों साथ। और गाइस आप बटर शायद से कोई भी तरीके का यूज कर सकते हैं, नहीं अमूल का, अमूल का सॉल्टेड वाला यूज कर सकते हैं, मुझे इसलिए पता है क्योंकि मैं लाया हूँ जाके। तो लाना तो पड़ेगा ही बेटा। और बन भी आप किसी तरीके का भी यूज कर सकते हैं, मीठा वाला है ये, कोई भी तरीके का यूज कर सकते, ये वाला है
ये वाला। तो यहाँ पर बस हमारी चाय पड़ने की तैयारी हो रही है, सैंडविचेस बन गए हैं, बन मस्का भी तैयार है और ये वाले बन भी तैयार हैं। तो बस अब ये लोग आ जाएं, लगता है आ गए। तो दोस्तों आ चुके हैं मेरे सारे फ्रेंड्स, अभी एक दो लोगों की और कमी है, अगर आते हैं उनके पास टाइम है तो आ रहे हैं, वरना हम अपनी चाय लेकर के आते हैं। तो अब हम लेके चल रहे हैं ये चाय के साथ हमारा थोड़ा सा स्नैक्स भी तैयार है। यहाँ पर ये हमारा बन मस्का भी है और तो यहाँ पर हम चाय डाल रहे हैं अपनी। तैयार हो गई है ये, कौन सी वाली टी है? चॉकलेट टी है। नाइस यार, टी भी इतनी अलग अलग डिफरेंट वैरायटीज की होती है, ये तो आज मैं पता लगा। ठीक है, बताइएगा कैसी बनी है। देखने में तो अच्छी लग रही है, बहुत अच्छी लग रही है। थैंक यू, थैंक यू सो मच। तुम्हारी कहाँ मीना? मेरी हमारी है। चलो बैठो, तेरी खुशबू तो बहुत अच्छी आ रही है इसकी। मैं ले लूँगी। हाँ कोई नहीं, अरे हम ले लेंगे खुद, इतनी फॉर्मल मत हो। पहले वो चाय पी के बताओ कैसी बनी। चॉकलेट टी है ना ये? हाँ चॉकलेट टी है, अच्छी आ रही है। ये भी अच्छी लग रही है, टेस्टी अच्छी है यार। तो दोस्तों मेरे फ्रेंड्स को तो बहुत पसंद आई है, इस रेसिपी को आप घर में जरूर ट्राई करिएगा। करनी चाहिए कि नहीं करनी चाहिए? बिल्कुल बिल्कुल, और हमें बुलाया करें जब बनाने। तो चलिए मिलते हैं हम आपसे इसी तरह की एक और नई इंटरेस्टिंग सी वीडियो में, और ये रेसिपी आपको कैसी लगी ये कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। तो चलिए बाय बाय। और हाँ, अगर ये रेसिपी पसंद आया तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करें बिना बिल्कुल मत जाइएगा। बाय। और हम भी अब कर लेते हैं गॉसिप करेंगे अब हम।